हेलो एवरीवन, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान के चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे स्वर। प्यारे बच्चों, आओ हिंदी सीखें। आज हम सीखेंगे छठा स्वर। इसका उच्चारण देखिए कैसे होता है। इसमें बच्चों खींच कर आवाज निकलती है, लंबी ध्वनि। चलिए दोहराते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ। आयु भा कौन से होते हैं? अं और अह। ये ना तो स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊ। अब देखिए ऊ से संबंधित शब्द। ऊ से ऊंट, जिसे हम इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। ऊंट के ऊपर देखिए लड़का बैठा हुआ है, तो किस ऊंट के ऊपर बैठा है, तो ऊ से ऊपर। ऊ से ऊंचा, तो देखिए ऊंचाई पर बैठे हैं ये बच्चे। ऊ से ऊंचा। ऊ से उंगली। ऊ से ऊष्मा, सूरज जो होता है वह हमें गर्मी और रोशनी देता है, उसी को हम ऊष्मा बोलते हैं। आओ दोहराएं। ऊ उंगली, ऊ ऊपर, ऊंचा, ऊं। आओ पढ़ें। ऊ से शुरू होने वाले कुछ और शब्द पढ़ते हैं। देखिए ऊ से ऊ से ऊंचा, ऊपर, ऊर्जा, ऊषा, शब्दों को आप पुनः दोहराइएगा, इन्हें फिर से पढ़िएगा, तो आपको अक्षर समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।